उत्तराखंड की हरी भरी वादियों में नैनीताल के रास्ते यहाँ पर रुके हुए हैं हम लोग। और ये कुछ टूरिस्ट लोग हैं जो भोपाल से आए हैं और यहाँ फोटो वोटो सेल्फी का आनंद ले रहे हैं। काफी नज़ारा। और ये देखो नीचे से वहाँ से आए हैं हम लोग, जो रोड आपको नजर आ रहा है वहाँ से हम लोग ऐसे घूमते हुआ है। तो इधर लग चुके हैं पकोड़े, यहाँ पर पकोड़ों का नाश्ता हो रहा है। देखिए आप प्याज वाले पकोड़े। देवी मंदिर है वहाँ पर हम लोग रुके, तो जबरदस्त नज़ारा है पीछे का, पूरे इधर होटल वगैरह बने हैं और हम लोगों की ये सेल्फी के साथ सब लोग झुक गए हैं पॉइंट पर। ये दीपक सर सेल्फी। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और इस समय बैठे हैं हम रामनगर उत्तराखंड के अंदर और अभी जाने की फिलहाल है तैयारी नैनीताल। चलिए दोस्तों चलते हैं नैनीताल के लिए। तो दोस्तों वीडियो आज का पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी का बेल आइकन दबाना ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। पहले आओ पहले पाओ वाला मक्की बहुत है। और इधर रखे हैं सभी के बैग्स वगैरह और सब लोग कंप्लीट हैं। कुछ लोग बस का इंतजार उधर कर रहे हैं खड़ा होकर और मैं बैठा हूँ इधर। चलिए दोस्तों चलते हैं नैनीताल का नज़ारा देखने। तो दोस्तों गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं नैनीताल के लिए और क्या नाम है भाई जी? मुकीम भाई की गाड़ी में बैठे हुए हैं हम लोग और एक गाड़ी पीछे है और एक सत्तो आप जस्ट इसके पीछे लगी हुई है। जो भी लगेज है उसको बांध रहे हैं, बढ़िया सपोर्ट दे रहे हैं ताकि रास्ते में गिरे ना। तो मेरे साथ बैठे हुए हैं इधर हेलो परमार जी, पवन जी और बीच में कौन सा बच्चा है? यस मैं भी हूँ। तो ये लोग हमारे सबसे खास व्यक्ति हमारे विजय सरेआम बैठे हैं। तुम्हारा ब्लॉग कोई काम का नहीं है? क्यों तुम छोटे से क्यों मने हैं तुम्हारी जिंदगी? चलो आप हम चल रहे धीरे धीरे। भूख ही बहुत लगती है, दो दो घंटे में भूख लगती है। तो ये गाड़ी निकल चुकी है हम लोगों की। तो हमारी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, हम निकल चुके हैं रामनगर से नैनीताल के लिए और हमारे जो ड्राइवर साहब है हमको सब कुछ हर स्पॉट के बारे में बताते जाएंगे। तो चलिए आगे एक गाड़ी वो जा रही है, पीछे हम लोग ये देख सकते हैं। हाय गाइस, गुड की मॉर्निंग हो गई है। 4:30 बजे रात के उठे हैं और काफ़ी समय से बस का इंतज़ार करते करते हमको फोर व्हीलर अरेंजमेंट करनी पड़ी है घूमने के लिए। तो कोई वापस आना भी है, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था घूम नहीं पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नैनीताल में और बीच के नज़ारों का आनंद लीजिए। बने रहिए कंटिन्यूस वीडियो के अंदर, स्क्रिप ना करें। अगर आप भी अगर नैनीताल आना चाहते हो तो बस के अलावा फोर व्हीलर यहाँ से अरेंजमेंट करें और अपने हिसाब से अच्छा पूरा टूर घूमें और यहाँ भी रुकना है, पूरा स्पॉट ये घुमाएंगे हम लोगों को। ये अभी पहुंच चुके हैं हनुमान धाम से, हम निकल चुके हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा हनुमान जी का स्थान है, यहीं पे वो भंडारा होता है। हाँ कल बहुत सारे लोगों को आते हुए देखा था हमने इधर। तो चलिए दोस्तों कुछ कह रहे हैं हमारे कृष्णा सर, तो इनकी पूरी करते हैं मनोकामना। इनका लुक जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो दोस्तों बनी रहिए राजू विश्वकर्मा जी के साथ। ओके ग्रेनेडस लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या बात रही है। अच्छा आप आए थे कैसे इधर घूमने के लिए?
मैं तो भाई इवेंट्स को अटेंड करने आया था, घूमने फिरने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मगर इन बच्चों का मान बनाने के लिए दिल्ली ताल जा रहा हूँ। तालों की ताल, ताल, ताल। वो बाकी साहब ताल तलैया। ये कौन सी नदी है भाई साहब? आपका नदी के पुल पे हम लोग क्रॉस हो रहे हैं। काफी चौड़ाई है इसकी और पीछे देखो पहाड़ी पहाड़ आपको नजर आएंगे। तो यहाँ से ले रहे हैं हम डीजल गाड़ियों के लिए। अरे तो यहाँ से ले रहे हैं हम लोग डीजल गाड़ियों में, दोनों गाड़ियों में, एक गाड़ी उधर खड़ी है, एक गाड़ी इधर खड़ी है। और ये देखिए तो निकल चुके हैं डीजल डलवा कर और अब आगे की जर्नी स्टार्ट। तो ये रोड वापस उसी रोड पर आ चुके हैं और ये पीछे पेट्रोल पंप। फसल होती है फल फ्रूट की ज्यादा होती है, मगर जो इसके अंदर फसल होती है मेमोशन वो अपना जो बोलते हैं क्या मालता है धान की खेती। अरे मध्य प्रदेश में अपन है, अपन लाएंगे क्या बोलते हैं। चुके हम ये रही चेक पोस्ट, नया गांव आ चुके हैं भैया। ये चेक पोस्ट है नया गांव का। मस्त नजारा, दोनों साइड बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए, बीच में से जाती हुई हमारी गाड़ी, क्या मजा आ रहा है। तो फिर नैनीताल का तो नजारा कुछ और हटके ही होगा जब रोड का इतना प्यारा नजारा है। मन का भी इतना अच्छे अच्छे नजारे बहुत सारे है ना, वृक्ष लगे हुए यहाँ पर, यहाँ पूरा सागवान का जंगल खड़ा हुआ, दोनों साइड बड़े बड़े ऊंचे पेड़ है, ताड़ के भी पेड़ है, वो आता ना एक पेड़ भी अच्छा आ रहा है, गाड़ी बीच में आ रही है, वो आता है ना कौन सा चीड़ था चीड़ के वृक्ष भी ऊपर मिलेंगे। यहाँ तो साबुन है, हमारे इधर भी साबुन मिलता है। तो यहाँ से लिया टन, अब लेंगे घाटी का मजा। तो पड़ा है नदी का पुल, ये से हम लोग होंगे टन नैनीताल के लिए। ये गाड़ी से पुल बनाया देखो, हम लोग तो अभी जो है नैनीताल को आ गए हैं। क्या मोड़ है ये देखिए आप, पचमढ़ी ये ऐसे ऐसे इनके भी लो ना साइड पे, और ये देखिए ये घाट चढ़ते हुए, ये पूरा पहाड़ी के द्वारा
करीबन 13-14 किलोमीटर की पहाड़ी को ऊंचाई पर गाड़ी है और भैया वहाँ पर नैनीताल है। जो आए हैं उनके लिए तो ये वीडियो नहीं हो सकता, जो पहली बार आएंगे उनके लिए बहुत खास वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों बने रहे ब्लॉग में और ये देखिए आप पूरा पहाड़ी का रास्ता नैनीताल तक 14 किलोमीटर का रास्ता। ठीक है, ये देखो ये नज़ारे का सीन, ये पहाड़ी उत्तराखंड की। और आज से सरापाड़ा कर रहे हैं हम नैनीताल के लिए। और ये नहीं मेरा वाला, उत्तराखंड की हरी भरी वादियों में नैनीताल के रास्ते यहाँ पर रुके हुए हैं हम लोग। और ये कुछ टूरिस्ट लोग हैं जो भोपाल से आए हैं और यहाँ फोटो वोटो सेल्फी का आनंद ले रहे हैं। क्या काफी नजारा। और ये देखो नीचे से वहाँ से आए हम लोग, जो रोड आपको नजर आ रहा है वहाँ से हम लोग ऐसे घूमते हुए आए। हो जाए सब लोग। यस, टिकट नंबर हाथ में रखें। यस, ये मेरे पास। अरे चेंज सर, चलो चलो। तो हम भी बैठते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये रही हमारी गाड़ी। अब जंगल के कोई और तो इधर लग चुके हैं पकोड़े। यहाँ पर पकोड़ों का नाश्ता हो रहा है, देखिए आप। प्याज वाले पकोड़े, ये उत्तराखंड के पकोड़ा खा रहा है भाई। इससे क्या होगा पेट में वो। तो यहाँ मंगोलिया पे रुके हुए हैं। अभी ध्यान दिया, कुछ खाने के बाद दिमाग में आया कि ये कौन सी जगह है। तो ये नैनीताल के बीच में पड़ता है मंगोलिया, वहाँ पे रुके हैं हम लोग। और सब लोग यहाँ पर चाय नाश्ता कर रहे हैं। मैंने कहा पेटी तो 170, मैंने कहा दे दो। देखिए किसी को नॉर्मल पसंद है, किसी को ठंडा। मैंने कहा नॉर्मल तो जो है। ये है यहाँ की चाय भाई, फुल डोज चार दे रहे हैं। तो चाय आ चुकी है और दुर्गे सर सोच रहे हैं चाय है कि फुल पावर। दोस्तों चाय पानी हो चुका है, अब नैनीताल के लिए यहाँ से हम लोग आगे की ओर। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नैनीताल पहुँच कर। बीच का नज़ारा अगर अच्छा लगता है तो आपको दिखाते हैं। चलो भाई चलते हैं अब नैनीताल। बैठो सर, बैठो गाड़ी में, बैठो। अच्छा लग रहा है गाड़ी में बैठो ना। अरे मैं बैठेगा कौन बैठेगा। पहाड़ी वाली वादियों को देखकर हमें अच्छा लग रहा है। हम नैनीताल के लिए निकले हैं। हमने जयपुर में देखा था, अब इधर को देखने को मिल रहा है। नैनीताल बहुत अच्छा है, अच्छा है। देखने के लिए अच्छा आ रहे हैं। देखो देखो तुम भी आओ, आओ जल्दी आओ। बैठो सर, चलो। शानदार फूल का नजारा, नीले नीले। ये देखो ऐसे बने हैं मकान।
देख के ऐसे डालेंगे। सारे टूरिस्ट लोग रुकते हैं अपने इस नज़ारे को देखने के लिए। ये देखो क्या प्यारे प्यारे मकान है पहाड़ियों के अंदर। और ये देखिए ये सीएलपी स्टाइल का बैकग्राउंड लेते हैं। और ये है छोटा सा तालाब, तालाब है ना पीछे पीछे, ये बिल्डिंग है बनी हुई, ये पूरा होटल वगैरह है। देख सकते हो फ्रेंड्स ये पीछे का नजारा, वाले रोड पर पीछे में मनसा देवी मंदिर है, वहाँ पर हम लोग रुके। तो जबरदस्त नज़ारा है पीछे का, पूरे इधर होटल वगैरह बने हैं। और हम लोगों की ये 14 लोगों की टीम जो आज नैनीताल की टूर कर रहे हैं, तो काफ़ी आनंद आ रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों आप भी बने रहे हैं वीडियो में पूरा, अच्छा लग रहा है क्या हमारे बहुत मज़ा आ रहा है। किला गड्डी लेके आया एक मो गड्डी लेके उसे पे सड़क पे एक मोड़ आया मौत दिल छोड़ आया और एक मोड़ आया मौत दिल छोड़ आया। मोटियार मिली टिक टिक बेबो मोटियार मिली अमला पागल हो गए। यहाँ से देखिए फुल नजारा, ये नैनीताल जी वीडियो बना ले आए। अरे मेरी फोटो लो यहाँ पे, पहाड़ों का नजारा। अरे पहले एक एक में और उससे ऊपर से थोड़ा नजारा ये देखो। आपके सिर की टोपी गिर जाएगी पहाड़ी देखने के चक्कर में। बीच बीच में क्यों आ रहा भाई और इतने गजब। तो हमको वहाँ जाना पड़ेगा इधर से घूमते हुए। आप देख रहे हो इस रास्ते से ये सामने की ओर वो चोटी दिख रही पहाड़ी की, वहाँ पे चढ़ेंगे हम लोग। चलिए चलते हैं दोस्तों। ये व्यू देखो आप, मस्त व्यू। आज का व्लॉग पूरा रास्ते भर का रहेगा नैनीताल में, दूसरा व्लॉग हम बनाएंगे। तो अभी आज तो टूर वाला है पूरा, यहाँ का रोड है। ये कौन सा स्थान, चार गेट के नाम से। तो ये चार गेट से गुजरते हुए नैनीताल की ओर प्रवेश करते हुए जबरदस्त, क्या कहते हो फिर एक और धांसू नजारा। अभी वहां से दिखाया था मनसा देवी के पास से, अब ये और उससे ऊपर आकर हम देखो रोड के साथ, ये रोड है, इस रोड से हम यहां तक पहुंचे हैं। और अभी वहां का आपको स्पॉट दिखाया था, मस्त नज़ारा है। ये बीच में एक नदी है वो देखिए उधर, सेल्फी के साथ सब लोग झुक रहे हैं पॉइंट पर। ये दीपक सर सेल्फी, नीचे देखो नीचे बात कर रहे हो, पूरा दोनों कितना पे डाला जब भी जब जाबी घुमा घुमा के पहाड़ी पहाड़ी चल रहा है जब से। अरे यार ये नैनीताल
चला गया यार, मोबाइल का लॉक ही खोलते रहे। वाह कुदरत तेरी क्या काया है, इंसानों को पहाड़ में बसाया है और हमको घूमने यहाँ बुलाया है। इसी की तरह इसी के साथ हम नैनीताल पहुँच चुके हैं। बस आ गए अपन, दो दस मिनट का टाइम लगेगा। तो आप अभी पिक्चर बाकी है, ठंडी जगह ऐसा कुछ है नहीं। तो दोस्तों ये रास्ते का आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे नैनीताल का तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं आप आगे, पलटा के रास्ते में दिखा दो। ये देखिए आप, नेचुरल में आज हमको देखने को मिल रहा है इधर, मगर ये पेड़ बहुत आ जाते हैं ये। चलो दोस्तों ये कुछ देरों के बाद हम नैनीताल पहुंच जाएंगे। अभी सर लौटे नहीं ना, सर भी आ रहे थे क्या? क्यों आगे लगा हुआ है जाम, सिलो सिलो गाड़ी आगे बढ़ रही है। ये दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मस्त जाम खुल चुका है धीरे धीरे नीचे। तो आ चुके हैं नैनीताल, और क्या है कि छिंदवाड़ा वाले लोग जो है ना धूप से परेशान है, मगर इतनी ऊंची पहाड़ी और यहाँ ऐसे चल रहा है कुदरत का। तो पहुंच चुके हैं नैनीताल, अब पार्किंग लगा देते हैं गाड़ी को। दोस्तों काफी मशक्कत के बाद सुबह के 6 बजे के हम लोग चले हैं, और करीबन 12:01 का टाइम हो चुका है और नैनीताल हम पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों आपको ये रास्ते का ब्लॉग अच्छा लगे नैनीताल का तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट नैनीताल के ब्लॉग में, यहाँ घूमेंगे टूर करेंगे। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखें।